छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम्स आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का होने वाला था, 440 पदों पर भर्ती परीक्षा जो है निरस्त हो चुका है। जी हाँ, इसका डेट जो है आगे बढ़ेगा और 13 अगस्त को जो है आपका एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बुरी अपडेट है, लेकिन एक तरह से अगर हम बोले तो अच्छी अपडेट्स है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो 30 जुलाई को लास्ट डेट था और 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आवेदन, जो त्रुटि आपने फॉर्म फिलअप किया वो सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सी स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न था कि इतने जल्दी, अभी तक तो महिला परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए डेट भी बचा है, लेकिन सिर्फ 10 से 12 ही दिनों में एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है और हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। तो आप लोगों के लिए फाइनली ये अच्छी अपडेट है और एक तरह से बुरी भी अपडेट है, जिनका एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो गए हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप जो है और भी प्रिपरेशंस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ज़्यादा जो है रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक 440 पदों पर भर्ती परीक्षा जो है इस्टे पोस्टपोन हो चुका है, यानी कि भर्ती परीक्षा निरस्त हो चुका है और ये शेड्यूल जो है हो सकता है कि आगे जो है आपको आगे जो है बढ़ेगा। तो ये जब भी कोई अपडेट्स आएगा और कुछ भी तो ज़रूर बताऊंगा। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके ही जाना।